आज हमें बनाना है आज का खाना में बोरा चाँप फ्राई, और बोरा चाँप फ्राई के लिए चाँपे भी लेनी है और कुछ मटन भी लेना है। तो फिर इसलिए एप्पल मार्केट आ गए थे कि देखें कि यहाँ कितनी अच्छी क्वालिटी की चाँप मिलती हैं। ये मटन की चॉप्स हैं ज़बरदस्ती, और अब हम इसे कटवाएंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी बोरा मटन चॉप्स के लिए अपनी चॉप्स बनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आसान मज़ेदार और लजीज एपिसोड के साथ आज का खाना भी तारिफ दाऊद, और आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार बहुत ऑथेंटिक बोरा चॉप्स। बोरा चॉप्स कैसे बनती है आगे चलते देखते किचन में। हम आ गए हैं किचन में और स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बोरा चाँप। बोरा चाँप का बड़ा आसान प्रोसीजर है और बड़ा पसंद किया जाता है, ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान में गुजराती कम्युनिटी और बोरा कम्युनिटी बहुत शौक से बनाती है। इसका आसान तरीका ये है कि हमने किसी पैन में चाँपों को उबालना है, आप चाहें कुकर में भी उबाल लें। ये देखें ज़बरदस्त डबल चाँप है, यानी कि जितना चाँप पे गोश्त होगा उतनी वो खाने में मज़े की लगेगी। यहाँ हमने तकरीबन जो है एक से सवा किलो के लगभग जो है चॉप्स ली हैं। यहाँ हम इसमें शामिल कर रहे हैं एक टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, दो टीस्पून जो है हमारे पास यहाँ सॉल्ट है। सॉल्ट भी बाद में हम मसाला इसका जब भुनेंगे तो चेक कर लेंगे कि सॉल्ट हमारा सही है या नहीं है। यहाँ पर एक टीस्पून हल्दी, एक टेबल स्पून ज़ीरा इस स्टेज पे शामिल करेंगे ताकि ज़ीरा जो है अच्छी तरह से खुल जाए। पानी इतना शामिल करें कि हमें इस चॉप को फिर भूनना भी है और इसको फ्राई भी करना है, तो हमें तकरीबन जो है 80% जो है वो चॉप को इसमें उबाल लेना है और अच्छी तरीके से गला लेना। यहाँ पे बस थोड़ा सा मसाले को और हल्दी को बाकी चीज़ों को यहाँ पर चॉप पर कोट करके अच्छी तरह से इसको हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद तकरीबन 45 मिनट के बाद जो है, मेरे हिसाब से 45 मिनट लगेंगे कि चॉप आपकी 80% गल जाए। ये देखेंगे कि हाँ अच्छी तरह से उबाल आ जाए है चॉप में, तो हम इसे क्या करेंगे दम पे लगा देंगे। अब देखते हैं कि किस कंडीशन में है। मैंने आपको कई बार इस रेसिपी के लिए बताया कि मुझे इसे पूरा नहीं गलाना है, यानी कि ऐसा ना हो कि चॉप अपना गोश्त छोड़ दे, हड्डी अपना गोश्त छोड़ दे। अब इस स्टेज पर हम शामिल करेंगे बहुत थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून जितना ऑयल, और थोड़ी सी ऑयल जो है चाँप का भी बाहर आया है। सबसे पहले शामिल करेंगे पिसा गरम मसाला। पिसा गरम मसाला भी तकरीबन 1/2 टीस्पून लिया है। बहुत ज़्यादा मुझे खुशबूदार मसाला इस्तेमाल नहीं करना ताकि जो है वो रियल चाँप का जायका जो है वो ना दब जाए। यहाँ पर हम ले रहे हैं जायफल जावित्री का पाउडर, यहाँ बहुत थोड़ी क्वांटिटी में जो है जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून इस्तेमाल किया। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर वो भी 1/2 टीस्पून, यहाँ मेरे पास जो है पिसी लाल मिर्च वो भी तकरीबन 1 टीस्पून, ये इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें ग्रीन चिली भी जाएगी। यहाँ कुटी लाल मिर्च, ये सिर्फ शो के लिए, मसाले के शो के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ में शामिल करेंगे फिर धनिया पाउडर, हमने इसमें लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको क्रश की हुई ग्रीन चिलीज़ जो है 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया था, या अपने चॉपर में चला लें। यहाँ मसाले को अच्छी तरह से मिलाना है। अभी इसमें दही भी शामिल करनी है, मगर दही जो है वो हम जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो मसाला भूनते वक्त शामिल करेंगे। यहाँ मसाले को अच्छी तरह चॉप्स के ऊपर कोट करना है, ये जितना भी पानी बचा है ये पूरा ड्राई करना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि गलाने में चॉप को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, 2-3 स्टेप में चॉप इसके अंदर पक रही है। फिर यहाँ हमारी चॉप का मसाला बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, थोड़ा सा मसाला चाहिए। यहाँ पे 1 लेमन या 2 टेबल स्पून लेमन का जूस, क्योंकि बहुत चटपटी सी चाप हमें बनानी है तो इसके अंदर जो है लेमन जूस ज़रूर शामिल करें, और चूल्हे को कर दें स्लो ताकि जो है हम इसमें शामिल कर सकें अपनी दही। दही 1 प्याली भर के, अगर आप फास्ट चूल्हे पे दही शामिल करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो दही है वो फट जाएगी,
दही को यहाँ जो है वो अच्छी तरह से चम्मच को चलाना है और फेंटना है। बहुत अच्छी तरह से जो है इस मसाले को इतना ड्राई करेंगे कि ये तमाम चौंक पे अच्छी तरह से हमारा मसाला कोट हो जाए और गाढ़ा मसाला, एकदम गाढ़ा मसाला हमने यहाँ पे रखना है। तो इसके लिए इस मसाले को भी जो है भून रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं मसाले ने भी अपना ऑयल रिलीज कर दिया है और ये बस ये थोड़ा बहुत मसाला है। जब ये चौंक बहुत अच्छी तरह ठंडी हो जाएंगी और आपने भी बहुत अच्छी तरह ठंडी करना है तो ये मसाला जो है ठंडा होके गाढ़ा हो जाएगा अच्छी तरह से। फिर अपने इसको चाप पे कोट कर देना है और फिर इसके बाद ही इसका दूसरा अमल होगा जिसमें ये ब्रेड क्रम लगेगा इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर जो है वो अंडे में कोट होंगी और फ्राई होंगी। तो मेरा ख्याल है यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत सही मसाला हो गया है और ये देखें कि चौंप भी जो है गल गई हैं, गोश्त चौंप का छूट गया है। ये देखें गोश्त छोड़ना शुरू कर दीजिए चौंप ने। अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी भी ग्रेवी में पानी है और चौंप आपकी गल गई हैं तो आप चौंप को बाहर निकाल दें और फिर जो है ग्रेवी को गाढ़ा करके फिर से चौंप शामिल करते हैं। ये भी एक आसान तरीका है। चलें इसे बंद करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि ये कब ठंडी होती है। चलें अब जो चौंप्स आपने देखे मसाला कितना अच्छी तरह से ड्राई हो गया है और उसके ऊपर कोट कर गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ब्रेड क्रम ले लिया। ब्रेड क्रम जिस तरह का भी आपके घर में यूज होता है, आपको बाजार में मिलता है या आप फ्रेश ब्रेड से बनाते हैं, सिंपल हमें क्या करना है कि एक हाथ से चौंप को उठानी है और बहुत थोड़ी कोटिंग जो है ब्रेड क्रम की इसके ऊपर करनी है। ये अब अंडे में भी जाएगी, बस अंडा ज्यादा से ज्यादा उठाए इसलिए हम ब्रेड क्रम की कोटिंग करते हैं। चलें हमने ब्रेडिंग कर ली यानी कि ब्रेड क्रम लगा लिया। अब हमें क्या करना है, एग बीट करना है, इसे डिप करना है, फ्राई करना है। तो आ जाते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। अब चॉप्स को जो है बस इतना ही गोल्डन ब्राउन कलर का करके और बहुत अच्छी तरह से जो है वो अंडे को पका के आपने बाहर निकाल देना है और ये बेहतरीन सी चॉप तैयार हैं। अब आ जाते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। ने देखा कितने प्यार से, कितने आराम से हमने एक लजीज किस्म की जो है बोरा चॉम्स बनाई। यकीनन आपको पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन जो है वो जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी से मिल जाएं।